तो ये पॉइंट और लिख देते हैं दिस वाज पॉइंट नंबर सिक्स गेस पहले तो वो लिखा जो बोला था फॉर ए कॉन्टिन्यूस क्वान्टूअस फंक्शन टू बी वन वन फॉर ए कॉन्टिनस फंक्शन टू बी वन वन इट शुड आइदर बी इंटायरली कुछ गड़बड़ है हाँ इंटायरली सॉरी इंटायरली इंक्रीजिंग इनक्रीजिंग either be इंटायरली इंक्रीजिंग और इंटायरली डिक्रीजिंग एरो लगा दिया डिक्रीजिंग ऐसे लिख दिया ये ठीक है ये तो हमने बोले अगर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है अगर उसके ग्राफ में ब्रेक नहीं है तो या तो बढ़ता ही रहना चाहिए या घटता ही रहना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए ये ठीक है अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर ए डिफ्रेंशियबल फंक्शन डिफ्रेंशिएबल फंक्शन डिफ्रेंशियबल फंक्शन का मतलब क्या है कि जिसका डेरिवेटिव आ जाए ठीक है अगर कोई फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूस तो हो गई होगा पक्की बात है और अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो फिर इसको यूज़ नहीं कर सकते जो भी लिख रहे हैं फिर डिफ्रेंशियेबिलिटी वाली चीज़ यूज़ नहीं कर सकते फॉर ए डिफ्रेंशिएबल फंक्शन टू बी वन वन इट्स डेरीवेटिव इट्स डेरीवेटिव शुड इट्स डेरिवेटिव शुड नॉट चेंज इ यहां पर जो इट्स है उसका मतलब क्या फंक्शन का डेरीवेटिव यहां पर जो इट्सा है उसका मतलब क्या है डेरीवेटिव डेरीवेटिव का साइन चेंज नहीं होना चाहिए उसका मतलब क्या क्या जो डीवाई बाई डी एक्स है या फिर जो वाई डैश है दैट शुड भी इंटायरली ग्रेट देवल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरोक्वल टू पे थोड़ा पंगा है मतलब उसमें पंगा का मतलब क्या है उसमें थोड़ा और डिफाइन करना पड़ेगा वो हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी तो मान लिया इतना से काम चल जाएगा हमारा ठीक है बाकी जो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ेंगे तब उसे तसल्ली से डिस्कस करेंगे कि क्या दिक्कत आ सकती है ओके ये टोटल पॉइंट छः पॉइंट हो गए तो अगर कोई हमें फंक्शन दे रखा होगा और हमें ये चेक करना होगा कि ये वन वन है या मैनी वन है तो इन्हीं में से एक एक करके लगाएंगे पहले हमने ये चेक किया कि वो इवन तो नहीं है इवेन है तो वहीं खत्म मैनी वन फिर हमने चेक किया कि पीरियडिक तो नहीं है पीरियोडिक अगर है तो वहीं खत्म फिर हम चेक इवेंट डिग्री पॉइनॉमल तो नहीं एंड सॉन so ऐसे करते रहे ठीक है तो अब कुछ इलास्ट्रेशन ले ले सकते हैं क्वेश्चन आइडेंटिफाई वट वन 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 टू वन एंड मैनी वन ये ठीक है एंड विथ रीज़न विथ रीज़न का होना का यही बताना है क्यों है एक तो ऐसे ही तुक्का मारते हैं वन वन या मैनी वन तो फिफ्टी परसेंट प्रॉब्लम तो है ही सही हो जाएगा बट हमें यही बताना है कि क्यों है वन वन अगर है तो एक्स क्यूब माइनस एक्स ठीक है दूसरा से एक्स इंटू साइन एक्स फिथ These are sin inverse x, 4th, x plus ln x, 5th, x square into sine x, 6th, 10x, 7th, ई रेस्ट पर एक्स प्लस एक्स एट्थ ई रेस्ट पर एक्स माइनस एक्स नाइंथ एक्स रेस्ट पर टेन प्लस फाइव एक्स रेस्ट पर नाइन प्लस एक्स रेस्ट पर सेवन प्लस थ्री ओके टेन ई रेस्ट पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ठीक है फिर इलेवेंथ इलेवेंथ लिख लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई रेस्ट पर एक्स ओके देन ट्वेल्व ट्वेल्व लिख लिया से कुछ भी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन ओके थर्टीन थर्टीन लिखा एक्स माइनस एल एन एक्स फोर्टीन फोर्टीन लिखा से x प्लस साइन एक्स फिफ्टीन लिखा x प्लस टू साइन एक्स चलो पहले तो ये सॉल्व करते हैं। ये ये तो फंक्शन हो गया ये हम बता रहे हैं कि वन वन या मैनी वन है यहाँ पे. और यहाँ पे हम क्या बताएंगे रीज़न क्यों है एक्स क्यूब माइनस एक्स आया इसमें से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इसमें एक्स जीरो रखो तो भी आंसर जीरो एक्स के वन रखो तो भी आंसर जीरो तो वाई गलू तो सेम आ गया दो एक्स के लिए तो ये ऑफकोर्स क्या हुआ मैन्यू वन रीज़न क्या है मल्टीपल रूट्स ये रीज़न है ठीक है मल्टीपल रूट्स ये रीजन अब यह है एक्स इंटू साइन एक्स एक्स इंटू साइन एक्स क्या है ये भी मैन्यून है क्यों रीजन क्या है एक रीज़न तो हम बोल सकते हैं इवन फंक्शन है क्योंकि अगर एक्स के माइनस एक्स रखोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा दूसरा रीजन हम ये भी बोल सकते हैं कि मल्टीपल रूट्स है क्योंकि इसमें जीरो रखो तो भी आंसर जीरो पाई रखो तो भी आंसर जीरो ठीक है तो इसका रीज़न क्या दे सकते हैं इविन फंक्शन भी बोल सकते हैं और मल्टीपल रूट्स भी बोल सकते हैं मल्टीपल रूट्स भी है वो भी सफिशियंट एक्सप्लेन करने के लिए इविन फंक्शन भी सफिशियंट एक्सप्लेन करने के लिए साइन इनवर्स एक्स क्या होगा वन वन कैसे सी ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ग्राफ से पता लगता है इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फिर वन वन होगा कोई भी अगर फंक्शन इंटायरली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब लगातार बढ़ रहा है किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं है लगातार बढ़ता जा रहा है तो फिर वो क्या होगा वन वन फंक्शन एक्स प्लस एल एन एक्स में एक्स भी इंक्रीजिंग है एल एन सॉरी एक्स भी इंक्रीजिंग है एल एन एक्स भी इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग होता है इफ़ यू रिमेंबर ये हमने रेंज पढ़ाते समय एक एरो करके बनाए थे कि अपर एरो प्लस अपर एरो विल बी अपर एरो यू रिमेंबर नहीं है तो वापस आके रेंज में यूजिंग डेरीवेटिवस करके एक टॉपिक था फाइंडिंग रेंज यूजिंग डेरीवेटिव डिफेंशिएशन उसमें लिखाया गया था यह क्या है वन वन और इसका रीजन क्या है इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ये ठीक है अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वन वन होगा डिक्रीजिंग है भी वन वन होगा मतलब मोनाटॉनिक होना चाहिए मोनाटॉनिक का मतलब क्या है कि या तो बढ़ता ही रहे या घटता ही रहे एक जैसा ओके एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स जैसे अगर मैं एक एक करके सोचूं एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स ईविन है क्या तो नहीं है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स ईविन नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि अगर एक्स माइनस बाहर तो आ जाएगा माइनस में से खत्म हो जाएगा साइन की वजह से एक माइनस बाहर आ जाएगा तो ये तो ऑड फंक्शन है तो ऑर्ड है तो कुछ नहीं बोल सकते छोड़ दिया फिर हमने दूसरा बोला कि पीरियडिक है क्या तो पीरियडिक भी नहीं है क्योंकि साइनिक्स तो पीरियडिक है बट एक्स स्क्वायर इंटू साइनिक्स पीरियडिक नहीं है उसका ग्राफ बार बार रिपीट नहीं होगा रिपीट मतलब एक जैसा ग्राफ नहीं आएगा चेंज होता जाएगा चलो ये भी फेल हो गया ई डिग्री डिगरी पॉइंट मैंने नहीं, नहीं। मल्टीपल रूट्स है क्या तो हाँ कैसे जब भी x जीरो होगा ये पूरा जीरो हो जाएगा मतलब कि साइन एक्स तो जीरो पे भी जीरो हो जाएगा पाई पे भी जीरो हो जाएगा टू पाई पे भी जीरो हो जाएगा तो इसलिए इसको तो इन्फाइनिट रूट्स है तो अगर इन्फाइन रूट्स आ गए तो फिर श्योरली क्या हो गया ये मैनी वन मैनी वन एंड रीजन इज मल्टीपल रूट्स ये आंसर है टेन एक्स क्या है अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ ना कोई बच्चा ऐसे होगा कि चलो टेनएक्स को डिफ्रेंशिएट किया सेक्सक्स आ गया सेक्सक्र एक्स तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता सेक्सक्स का वैल्यू तो हमेशा वन या वन से पढ़ा ही आएगा और फिर मैं बोलूँगी इसका मतलब ये है कि ये तो हमेशा इंक्रीजिंग हो गया क्योंकि वाई डैश पॉजिटिव आ गया वाई डैश पॉजिटिव आ गया तो ये हमेशा इंक्रीजिंग हो गया इसलिए ये वन वन हो गया तो इस एनालिसिस में एक फ्लॉ है फ्लॉ ये है।, है कि टेन एक्स का जो ग्राफ आता है इफ़ यू रिमेंबर उसमें ब्रेक आते हैं बीच बीच में बहुत मतलब वो डिसकॉन्टीन्यूस होता है तो अगर डिस्कॉन्टीन्यूस होता है तो वन वन मैन्यू वन वगैरह निकालने के लिए केवल डेरिवेटिव पे भरोसा नहीं कर सकते फिर तो हमें और चीज़ भी चेक करनी पड़ेंगी टेनिक्स तो हमें ग्राफ से ही पता लग जाए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है टेनक्स जो है वो तो पीरियोडिक फंक्शन है ठीक है अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो ऑफकोर्स क्या होगा मैनी वन रीज़न क्या है पीरियोडिक फंक्शन रेस्टू पार एक्स प्लस एक्स ये क्या है वन वन रीजन क्या है ई रेस्ट पार एक्स का ग्राफ याद करो वो भी इंक्रीजिंग होता है प्लस एक्स भी इंक्रीजिंग होता है तो एक्स प्लस एक्स क्या हो गया इंक्रीजिंग तो अगर इंक्रीजिंग हो गया तो इंक्रीजिंग हो गया तो फिर क्या हो गया वन वन फंक्शन ठीक है अब इन दोनों में क्या अंतर है ई रेस्टू पार एक्स माइनस एक्स में क्या है कि इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग है अगर तुम्हें उस लेक्चर से याद है तो हमने ये बोला था कि इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग को इन जनरल नहीं बता सकते क्या होगा कुछ भी हो सकता है ठीक है तो थोड़ा हम नीचे गए चलो